वो लोग जो कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज इतना है कि सर के बालों से ज्यादा है, असबाब है ही नहीं, अब वो सारी रात बेकरारी में गुजारता है, दिन मुश्किल में गुजारता है कि या अल्लाह कहां से लाऊं, ये कर्ज कैसे लौटाऊं। मैं उनको यह हदीस से पाक पैगाम और तोहफा के तौर पे सुना रहा हूं। मेरे आका एक दिन मस्जिद नबी में जलवा फिराज थे, तशरीफ लाए तो देखा कि एक सिहाबी हैं जो मस्जिद नबी के अंदर बैठे हैं, तो हुजूर को तशवीश लाएक हुई कि नमाज का वक्त भी नहीं है, तो ये मेरा सिहाबी, मेरा कलमा पढ़ने वाला मस्जिद नबी में क्या कर रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया, ए अबू उमामा, नमाज का वक्त भी नहीं है और तुम मस्जिद में बैठे हो और तुम्हारी पेशानी पर तफक्कुर के आसार हैं, चेहरे पे ये परेशानी के आसार हैं, बताओ ना जरा, अगर पूछने वाले इमामुल अंबिया हों तो फिर दर्द सुनाते हुए, तकलीफ के बारे में बताते हुए इंसान को एहसास होता है, सुकून मिलता है कि कोई है मेरी तसल्ली देने वाला, कोई है जो मेरे गम का मदावा करने वाला है। तो हजरत अबू उमामा रो पड़े, कहने लगे, बंदा नवाज, रोजगार है ही नहीं, रिस्क के मामलात मखदूश हैं, कर्ज इतना है कि सर के बालों से ज्यादा है, गम है कि रात को सोने नहीं देते, बिस्तर कांटों का बन गया है, चैन नहीं मिलता, उधर गम खाए जा रहे हैं, उधर लोगों का कर्ज है कि वो दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। हुजूर अब कहां जाऊं, जब सारे रास्ते बंद नजर आए ना और सारी गलियां बंद नजर आई, तो मैं मस्जिद नबी में आ गया, शायद मेरे दुख दर्द का मदावा हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हमने पूछा है तो फिर तुम्हारे दर्द का मदावा भी फरमाएंगे, तुम्हारी मुश्किलें हल भी फरमाएंगे, तुम्हारी हर बात को हम पूरा फरमाएंगे। फरमाया, ए अबू उमामा, क्या तुम्हें ऐसे कलेमात न सिखाऊं, अगर तुम्हारा कर्जा जमीन व आसमान को अगर सोना चांदी से भर दिया जाए, अगर इतना भी हो ना, ये कलेमात तुम पढ़ लो, अल्लाह गैब के खजानों से तुम्हारा कर्ज भी पूरा फरमाएगा, तुम्हारे गम का मदावा भी फरमाएगा। हजरत अबू उमामा कहने लगे, हुजूर बताएं ना ताकि मेरा ये कर्ज जल्द से जल्द उतर जाए। मेरे आका ने फरमाया, सुबह को और रात को ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुख़ली व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैनी व कहरिर रिजाल। ये जुमले, ये कलिमात हैं दुआ के। मेरे आका ने फरमाया, अबू उमामा ये पढ़ते जाओ, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे गम का ये मदावा कैसे करता है, तुम्हारे कर्ज के आसानी के साथ अदायगी का इंतजाम कैसे फरमाता है। अब वही सिहाबी कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये जुमले, ये कलेमात मैं पढ़ता गया, बस मुझे नहीं पता चला कहाँ से लंगर आया, कहाँ से रिस्क मिला, मेरा सारा कर्ज उतर गया। पहले था कि रात को चैन नहीं मिलता था, गम था कि खाए जा रहा था, अब गम करीब आता ही नहीं है, कर्ज है कि सारा उतर गया है। और फिर मैं एक दिन हुजूर की बारगाह में आया, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा जुमला बताया, ऐसे कलेमात बताए, मेरा सारा दर्द दूर चला गया और मेरा सारा कर्ज उतर गया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू मामा, सिर्फ ये तुम्हारे लिए नहीं है, कयामत तक आने वाले मेरे हर हर उम्मती के लिए है।